हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। बोला गया कि मेंडलीव ने कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को क्लासिफाई किया था पीरियोडिक टेबल में, और क्या वो उसी यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था मेंडलीव ने, वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, मतलब कि उनको एटॉमिक यानी कि एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया था, कि जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले रखा जाएगा और जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में रखा जाएगा। तो ये उनको उन्होंने अपने लॉ में दिया था। बट क्या हुआ कि जब आगे बहुत सारे एलिमेंट, मतलब कि 20, 23, 25 एलिमेंट के बाद उन्होंने कुछ एलिमेंट को ऐसे रखा जिसका प्रॉपर्टी सेम हो रहा था, उसके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस आ रहे थे। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको भी पहले रखा गया, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखा गया। जैसे कोबाल्ट और निकेल, निकेल का जो मास है वो एक्चुअली कम है, लेकिन उसको उसके बावजूद भी निकेल को बाद में रखा गया। तो इस तरह से कुछ गलतियां मेंडलीव ने की थी। तो हम लोग लिख सकते हैं द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास था। अब पूछा गया है, एंड डिड ही स्टिक टू दैट? नो। क्या वो उस पर स्टिक रहे? नो। क्यों? हम लोग लिख सकते हैं, लेटर ही प्लेस्ड द एलिमेंट, ही प्लेस्ड द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर इंस्टीड ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, वो उस पर स्टिक नहीं रहे। बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को रखना स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से कई सारे बहुत सारे जो उनका पीरियोडिक टेबल है उसमें कई सारे डाउट देखने को मिले हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।